नमस्कार, मैं हूं आकाश सोनी। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा डिबेट शो हम तो पूछेंगे। हरियाणा जाट आरक्षण की आग में सुलग रहा है। कल उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में भी जाटों ने बंद और प्रदर्शन का ऐलान कर दिया, यानी हरियाणा पहले से लगभग बंधक बना हुआ है। आग उत्तर प्रदेश तक फैल रही है और दिल्ली पर भी खतरा मंडरा रहा है। जाट आरक्षण की आग कई और राज्यों में अब फैल सकती है। फिलहाल हरियाणा की ही बात करें तो स्थिति इतनी बुरी हो चुकी है कि राज्य सरकार केंद्र से और सुरक्षा बलों की मांग कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के घर इस मामले पर बैठक हुई, जिसमें वित्त मंत्री अरुण जेटली, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, नितिन गडकरी, एनएसए अजीत डोवाल, गृह सचिव और सेना के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। हालात पर लंबी चर्चा हुई। केंद्र में ऐसी चर्चा पहले भी हो चुकी है। तस्वीरें हालात को बयां कर रही हैं। कई शहरों में कर्फ्यू है, सेना ने मोर्चा संभाला हुआ है, फ्लैग मार्च चल रहा है, लेकिन आंदोलन रुक नहीं रहा है, हिंसा रुक नहीं रही है। करेंगे इसी मुद्दे पर बड़ी बहस अगले आधे घंटे, लेकिन पहले देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट। हम तो पूछेंगे में अगले आधे घंटे बड़ी बहस। जाट आरक्षण के जंजाल में बीजेपी, देश की संपत्ति, समाज की संपत्ति, हमारी अपनी संपत्ति है, इसको नुकसान करके किसी का कोई लाभ होने वाला नहीं है। इसलिए मैं अपील करना चाहूंगा कि कृपया जो भी हमारी मांग है वो सब हम मानने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस की सरकार में जिस तरीके से सिर्फ राजनीतिक दृष्टिकोण से आरक्षण देने की जो प्रक्रिया की, उसको देखते हुए ये परिणाम आज जाट समाज को भुगतने पड़ रहे हैं। एक बार फिर जाट आरक्षण के जंजाल में फंस गया है हरियाणा। फर्क बस इतना है कि इस बार सरकार बीजेपी की है। केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक इस समस्या के समाधान में जुट गई है, लेकिन हिंसक हो चुके जाट आरक्षण की मांग फिलहाल संभलती नहीं दिख रही। हालात बेकाबू हो जाने की वजह से रोहतक, झज्जर, जींद, भिवानी, हिसार, कैथल और सोनीपत में सेना को बुलाया गया है। सेना ने फ्लैग मार्च भी किया। हिसार में तो लोगों ने शहर को एक तरह से बंधक बना लिया है। सेना के ट्रक को लोगों ने वापस लौटा दिया। राज्य के मंत्री और बीजेपी नेताओं के घर पर हमले हो रहे हैं। रेल पटरियों और सड़कों पर जाट आंदोलनकारियों ने कब्जा जमा लिया है। मुख्यमंत्री खट्टर ने शुक्रवार को भरोसा दिया था कि वो जाट आरक्षण पर बिल का ड्राफ्ट लाएंगे। साथ ही उन्होंने सभी पार्टियों से इस संबंध में सुझाव भी मांगे थे, लेकिन आंदोलनकारियों ने इसे अस्वीकार कर दिया। कुमार सैनी ने आग लगाई है। अगर राजकुमार सैनी हमारे युवाओं को भड़काते नहीं तो हम शायद इसको प्यार से करते। आपस में भाईचारा ना बिगाड़े। कुछ ताकतें ऐसी घुस गई हैं जो समाज का ताना बाना तोड़ना चाहते हैं, तो ताना बाना न टूटने देकर 36 बिरादरी एक होकर शांति कायम करें। सुप्रीम कोर्ट से जाट आरक्षण रद्द होने के बाद जाट लगातार सरकार पर इसे फिर से लागू किए जाने की मांग कर रहे थे, लेकिन कुछ दिन पहले राज्य से बीजेपी सांसद राजकुमार सैनी और एक मंत्री के जाट आरक्षण विरोधी बयानों ने उनके विरोध को सुलगा दिया। सरकार भले ही इन बयानों पर माफी मांग रही हो, लेकिन फिलहाल तो जाट आंदोलन की वजह से न सिर्फ हरियाणा बल्कि देश की राजधानी दिल्ली में भी पानी और दूध की सप्लाई पर असर होता दिख रहा है। आरक्षण की इस आग के बीच हम तो पूछेंगे, क्या सुप्रीम कोर्ट के इनकार के बावजूद आरक्षण की हिंसक मांग करने वाले जाटों पर सख्त कार्रवाई हो। आपकी राय बेहद महत्वपूर्ण है, इसीलिए हम तो पूछेंगे में सवाल एक बार फिर सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट के इनकार के बावजूद आरक्षण की हिंसक मांग करने वाले जाटों पर क्या सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए? हां के लिए टाइप कीजिए IBN7 Space Y, नहीं के लिए IBN7 Space N। अपनी राय हमें 51818 पर SMS कीजिए। आप #HTP और #जाट आरक्षण इनके जरिए भी ट्विटर पर अपनी राय दे सकते हैं। फेसबुक पर IBN खबर के पेज पर भी #HTP लगाकर अपनी बेबाक राय रखें। आपकी राय लगातार इस शो में हम शामिल करते रहेंगे। इस मुद्दे पर बड़ी चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हरियाणा के सामाजिक कल्याण मंत्री कृष्ण बेदी, जो फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। हरियाणा बीजेपी के प्रवक्ता सूरजपाल सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए। सूरजपाल जी के पास हम जाएं उससे पहले यहां स्टूडियो में मेरे साथ हैं कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा, जाट नेता पुष्पेंद्र चौधरी हमारे साथ यहां हैं और जाने माने कॉलमिस्ट पुष्पेश पंत जी
हमारे साथ हैं। सबसे पहले 45-45 सेकंड के लिए आप सभी के पास आऊंगा, बल्कि आज बहुत सारे मेहमान, इसलिए 30 सेकंड, क्योंकि आधे घंटे का डिबेट है, 30 सेकंड का समय है। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहता हूं पुष्पेंद्र चौधरी जी, और आपसे मैं जानना ये चाहता हूं कि जब हरियाणा के मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि हम बिल का ड्राफ्ट लाएंगे और उसके बाद सारी पार्टियों से मिलके जल्द से जल्द आपका काम कराएंगे, लेकिन उसके बावजूद बहुत जगहों पर अभी भी प्रदर्शन जारी है, इसका कारण क्या है? क्या आप सिर पर बंदूक रखकर यह साइन करवाना चाहते हैं? ऐसा है, कहावत है, बड़े मियां छोटे मियां, सुभान अल्लाह। पिछले साल मार्च में देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जाटों के एक बड़े डेलीगेशन को अपने आवास पे बुलाया और वायदा किया कि मैं जाटों के आरक्षण के पक्ष में हूँ, आपकी मांग बिल्कुल जायज है और बीजेपी इसकी पक्षधर है, हम इस आपको आरक्षण दिलाएंगे। उसके बाद एक साल बीत गया, दोबारा मार्च आ गया। इस बीच में हमने कई बार इनके मंत्रियों से, चाहे वो संजीव बालियान जी, आपके 30 सेकंड पूरे हुए, वादा खिलाफी का सीधा सीधा आरोप है। कृष्ण बेदी जी, आपसे जानना चाहूंगा, आप हरियाणा सरकार में मंत्री हैं, आप ये बताएं क्या ये वादा खिलाफी नहीं है? आपने बाकायदा अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में ये वादा किया, लेकिन अब उसे पूरा नहीं कर रहे, यही बात जाट नेता कह रहे हैं। जी, मैं आपके माध्यम से हरियाणा के सभी लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ, अभी आरक्षण का मुद्दा ना होकर ये सारी आपत्ति और मामला कर चुका है, और जो इसके जिम्मेवार हैं उन लोगों को गंदा करना और इस आग को वृद्ध या सुलभ या शांत करना सबसे पहले हमारे साथ यही बात आपको देने की हमारे मैनिफेस्टो में मैं आपको बताना चाहता हूँ। 2014 आपके 30 सेकंड पूरे हुए कृष्ण बेदी जी, लेकिन आपकी आवाज साफ नहीं आ रही थी, आपके पास लौटूंगा मैं, और इस बीच लाइन भी ये चेंज करते हैं आपकी। हरियाणा बीजेपी के प्रवक्ता सूरज पाल इस वक्त हमारे साथ हैं। सूरज पाल जी, चूंकि हम बात सुन नहीं पाए, आपसे हम क्लैरिफिकेशन चाहते हैं। एक तरफ आपकी आइडियोलॉजिकल पोजिशन ये है कि आरक्षण की अब और जरूरत क्या है, और दूसरी तरफ जमीन की सच्चाई को क्या आप स्वीकारते हैं कि यहां पर आपको जाटों को आरक्षण देना ही पड़ेगा? भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भाई शाह ने बहुत समय पहले ही कह दिया था कि हम जाटों को आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध हैं, और हम लोगों ने वादा किया। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने भी ये प्रदेश की जनता से, जाट समाज से वादा किया है और सबके सामने किया कि जाट आरक्षण हमें देना ही देना है, और हम निर्णय कर चुके हैं आने वाले समय में हम विधानसभा का सत्र बुलाकर वहाँ पर हम बजट सत्र के अंदर उनको आरक्षण देने के लिए कर रहे हैं। फिर झगड़ा किस बात का है? हम अनुरोध करते हैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कृपया शांति बना रखे प्रदेश को जिस प्रकार से आज। ठीक है, आपके 30 सेकंड पूरे हुए, लेकिन लौटूंगा आपके पास। आलोक शर्मा जी, आपसे जानना चाहता हूं, जो काम आप नहीं कर पाए वो अब बीजेपी भी अभी तक फिलहाल नहीं कर पाई है, आपको लगता है कि जाटों को आरक्षण दिया जाना चाहिए या नहीं? खासतौर पर ये देखते हुए कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर सवाल उठाए थे कि जाटों को आरक्षण क्यों दिया जाए, और विरोधी भी ये बात कह रहे हैं कि जाटों के पास में जमीनें हैं, बड़ी खेतियां हैं, ये संपन्न वर्ग है। क्या सिर्फ इसीलिए कि 29% आबादी हरियाणा की जाटों की है, सब इकट्ठा हो गए, लामबंद हो गए हैं और कहीं कहीं हिंसा भी हो रही है, इसीलिए ये आरक्षण दे दिया जाए? देखिए, हिंसा के आधार पर किसी भी जाति को आरक्षण नहीं मिल सकता। आरक्षण अगर मिलेगा तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का जो संविधान है उसके आधार पर ही मिल सकता है। कांग्रेस पार्टी ने अपने समय में रहते हुए जाटों के आरक्षण के लिए जिस तरह का कार्य किया था उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगाकर पलट दिया। उसके बाद वही काम बीजेपी की सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में जाकर करने का प्रयास किया, लेकिन उसको भी पलट दिया गया। आज मैं केवल ये कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी जब जब केंद्र में आई है, चाहे वो मंडल कमीशन में वीपी सिंह की सरकार को सपोर्ट कर रही थी, चाहे वो गुर्जर और मीणों का आंदोलन रहा हो, आपके 30 सेकंड पूरे हुए, मैं लौटूंगा आपके पास में। बीजेपी हमेशा ही किसी भी तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव, यहां पर सॉल्यूशन क्या है? देखिए, मुझे लगता है सोल्यूशन ये है कि आरक्षण को ही सामाजिक न्याय का एकमात्र अस्त्र या औजार न माना जाए। मुझे लगता है आज जाटों को हिंसक कहकर बदनाम किया जा सकता है, मगर ये भी उतना ही सच है कि जाटों को कोई भी व्यक्ति पिछड़ा नहीं मान सकता है, और ख़ासकर हरियाणा राज्य में उनका वर्चस्व रहा है। मगर यदि उनकी कोई भी शिकायत है तो उसको सुना जाना चाहिए, मगर आरक्षण, वो गुर्जर हो, मीना हो, जाट हो, दलित मुसलमान हो, हर बार इसी को सामने लाया जाए, ये मुझे लगता है निश्चित ही चिंता का विषय है। अब मैं डिबेट को ओपन कर रहा हूं, सारे मेहमान 30-30 सेकंड बोल चुके हैं। सबसे पहले पुष्पेंद्र चौधरी जी, क्या ये बात सही नहीं है कि अगर देखा जाए
तो जाट संपन्न वर्ग है और ऐसे में आपको ऐसे काम करने चाहिए जिससे कि लोगों को नौकरियां मिले, बजाय इसके कि आप भी उसी दौड़ में पीछे पड़कर और राजनीति इस तरह घुमाएं कि आपको आरक्षण देना पड़े। देखिए, जाट संपन्न कौम नहीं है, जाट खेतीहर किसान मजदूर कौम है और पिछले 23 साल से जब से OBC का आरक्षण लागू हुआ है, हमारी समकक्ष जितनी भी जातियां हैं, चाहे वो यादव हों, लोधे हों, गुजर हों, कुर्मी हों, सैनी हों, उनको 1997 से ही ये आरक्षण OBC का दे दिया गया था। और जो पुष्पेश पंत जी ने बात की कि ये अगड़े हैं, इनको कोई आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, हमें पहले ही 9 राज्यों में 8, ये हरियाणा में तो हटा दिया गया था पिछले साल, हम 9 राज्यों में ही OBC की सूची में पहले से शामिल हैं। जब हम प्रदेशों में OBC हैं तो क्या कारण है कि हमें केंद्र में नहीं दिया जा रहा? और हरियाणा में भी जो है हमारे समकक्ष जैसे यूपी के जाट हैं, हरियाणा के जाट हैं, दिल्ली के जाट हैं, इन सब की परिस्थिति एक जैसी है। तो आप ये नहीं कह रहे, आप ये कह रहे कि बाकी राज्यों में दे दिया तो यहाँ क्यों नहीं दे रहे हो? इन प्रिंसिपल लेकिन जो बोला जा रहा है कि आपकी कम्युनिटी एक संपन्न कम्युनिटी है। एनएसओ का सर्वे आया था, उसमें जो ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है हमारी कम्युनिटी, उसमें 90% लोग ऐसे हैं जिनकी जो आमदनी है 10,000 रुपए से भी कम है। और शहर में आप देख लीजिए, 10,000 रुपए में आप एक बच्चे को नहीं पढ़ा सकते अच्छे स्कूल में, तो बहुत गंभीर स्थिति है। और जाट अब केवल जो है सीमा पे खून नहीं बहाता रहेगा और खेतों में पसीना नहीं बहाता रहेगा और जो है खेल के मैदान में मेडल नहीं लाएगा। आ जाट को अपना अधिकार भी चाहिए, उसका भी पेट है, उसी के बच्चों को अच्छी शिक्षा लेने का, ये रास्ता तो ठीक नहीं है। देखिए, ये कौन सा रास्ता है? क्या अधिकार लेना चाहते हैं? 23 साल से हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी आपने हरियाणा में 23 साल से पूरी तरह से, मैं बीच में नहीं बोला, मैं हरियाणा में हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी मैं बीच में नहीं बोला, पूरी बात हो जाने दीजिए। खट्टर सरकार पूरी तरह से वहां पर फेल हो गई है, इस आंदोलन के सामने खट्टर सरकार ने पूरी तरह से घुटने टेक दिए। आप एक बात करने दीजिए पूरी, जो समाज की बात है, जाट समाज पिछड़ा हुआ है और तमाम तरह के जो राज्य हैं 8-10 राज्य जिसमें रहता है उसमें हमें मिला हुआ है, तो हमें आगे देना चाहिए। हम बात आपको संविधान के सामने हम सुप्रीम कोर्ट में रखते हैं, सुप्रीम कोर्ट का आप लोग, अरे सुप्रीम कोर्ट का आदेश, हरियाणा में मारुति प्लांट बंद हो गया, बैंकों में आग लग रही है, स्टेशन में आग लग रही है, उसमें साफ तौर पर लिखा है आपका जो जो जाति किसी राज्य में है उसका ठोस आधार है केंद्र में होने का, लेकिन आपके आंकड़े पुराने। अरे मंडल आयोग जो 1931 के आंकड़ों पे बना था, 93 में लागू हुआ, 63 साल पुराने, वो आंकड़े पुराने नहीं हुए। और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया बीजेपी की सरकार को पकड़ने में खड़ा कीजिए आप, लेकिन बिल्कुल सूरज बाल जी आपके पास, आलोक जी पहले आप ये बताएं, आप किस आधार पे कह रहे हैं कि खट्टर सरकार फेल हो गई है, किस आधार पे कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि जब एक साल से, जब पिछले 15 मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय को पलट दिया, उसके बाद से आज तक जो हालात रहे, बीजेपी के बड़बोला नेताओं के जिस तरह से बयान आए दोनों तरफ के लोगों के, जाट समुदाय के भी और विपक्ष के भी, उसके बाद भी आप नहीं जागे, इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया, आपकी इंटेलिजेंस फेल की बिल्कुल पूरी तरह से, आपने जाट नेताओं से बात क्यों नहीं की, खाप पंचायतों से बात क्यों नहीं की जो वहां पर कंसर्न लोग थे, पूरी तरह से आज जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ी है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। भारतीय जनता पार्टी जब जब सत्ता में आई है, 91 में मंडल कमीशन में VP सिंह की सरकार को भी यही सपोर्ट कर रहे थे, पूरे हिंदुस्तान में आर्मी उतारनी पड़ी थी, आज हालत यह है कि 9 जिलों में आपके यहां पर कर्फ्यू लग गया, तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से खट्टर सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। कृष्ण बेदी जी आपके पास आ रहा हूं पहले, लेकिन सूरज पाल जी पहले आप जवाब देना चाहेंगे। आकाश जी, मैं कहना चाहूंगा जो कांग्रेस के जो मित्र इतना शोर मचा मचा कर बोल रहे हैं, रोहतक से सांसद दीपेंद्र हुड्डा हैं जो संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, आज राहुल गांधी और सोनिया गांधी कहाँ चले गए? राहुल गांधी जी ने शांति के लिए पूरी तरह से अपील की है, हमारी सरकार न केंद्र में है न राज्य में। अरे सुनिएगा, आपकी जिम्मेदारी नहीं है, हम सरकार से 2 साल पहले चले गए, आज भी हमारी जिम्मेदारी है। आज भी राहुल गांधी सोनिया गांधी जवाब दे, मोदी साहब कहाँ हैं, अमित शाह साहब कहाँ हैं? सरकार का आरक्षण आप अभी कह रहे थे, बड़े लंबा चौड़ा भाषण दे रहे थे अमित शाह जी पे कि उन्होंने ठोक के कहा था कि हम जाटों को रिजर्वेशन देंगे, आज कहाँ हैं अमित शाह जी? कांग्रेस ने दिया, भाजपा उस प्रकार का वादा नहीं करना चाहती। अरे भाई हम तो कह रहे हैं, अभी जाट नेता ने कहा कि मोदी साहब ने वादा किया था, उसका वादा क्यों नहीं निभाते आप? फिर भारतीय जनता पार्टी जो मर्जी बोल के चले जाते हैं, 15 लाख अकाउंट में आएंगे, वही हो जाएगा मेरे कुतुब मीनार, रोहतक में बन जाएगी। अरे भाई जो आपके हाथ में है वही तो वादा करेंगे। अगर आज इस प्रकार के आरक्षण के विषय पर आप राजनीति करना चाहते हैं, हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, हमने एक बार भी नहीं कहा कि खट्टर सरकार जो है वो इस्तीफा दे दे।
किसी कांग्रेस के नेता ने नहीं कहा। हम बार बार कह रहे हैं कि हरियाणा में शांति बहाल हो, शांति के लिए उपाय हो। करना चाहिए। कहां है राहुल गांधी, कहां है सोनिया गांधी? राहुल गांधी ने वक्तव्य दिया है, आपने सुना नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं अमित शाह कहां है? एक मिनट, एक मिनट, आप सत्ताधारी दल का जवाब थोड़ा सा रोक रहा हूँ। विपक्ष का नेता आलोक जी, आलोक जी, सूरज पाल जी, थोड़ा सा आप दोनों को रोक रहा हूँ। कृष्ण बेदी जी, जी अच्छा सूरज पाल जी, आप 30 सेकंड पूरा आपको दे रहा हूँ, प्लीज कोई बीच में ना बोले। सूरज पाल 30 सेकंड बोलने दीजिएगा। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने आरक्षण की, जाट आरक्षण की मांग जाटों की सशर्त स्वीकार कर ली है, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने स्वयं कह दिया है। हम राजकुमार सैनी को सोकर नोटिस दे चुके हैं। हम केवल इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करना चाहते, हम विपक्ष के साथ लड़ाने वाले कांग्रेस के लोग आग बुझाए। सूरज पाल जी, ठीक है, ठीक है, आलोक जी, यार लेकर सड़कों पर चल रहे हैं, आर्मी से टकरा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हमने तो बहुत काम कर दिया। एक मिनट, आप दोनों को थोड़ा सा रोक रहा हूं। जेएनयू जा सकता है 10 लोग, वहां पर जेएनयू जा सकता है, मीडिया से पता चल रहा है 10 से भी ज्यादा लोग जो है वो पुलिस की गोलियों से और आर्मी की गोली से मारे जा रहे हैं और आप कह रहे हैं साहब अमित शाह जी ने बहुत अच्छा काम कर दिया। अरे आप लोगों ने जो कब जिम्मेदारी लेंगे आप लोग, आप लोग जहां भी सरकार बनाते हैं फेल हो जाते हैं आप लोग। राजस्थान में क्या हुआ, कितने दिनों तक ट्रैक पर लोग बैठे रहे, यही हाल हरियाणा में हो गया, सारा हरियाणा आपने जाम कर दिया। हमारे कैप्टन अभिमन्यु का घर फोड़ दिया गया, फूंक दिया गया। आप झूठे वायदे करेंगे तो लोग ऐसे सर फोड़ेंगे आपका। हमारे विधायक का घर तोड़ दिया गया, कैसी बात? आपके जब राष्ट्रीय अध्यक्ष झूठ बोलेंगे तो ऐसा ही होगा आपके साथ। आप अपने कहाँ है राहुल गांधी, आज बोलते क्यों नहीं? राहुल गांधी ने बोला ना आपको 4 बार बता दिया, लेकिन आप लोगों को फोबिया है। लगता आपका आरएसएस बैकग्राउंड होगा, जरूर फोबिया से ग्रस्त है आप। अपने कांग्रेस के धर्म को निभाइए, गुजरात मत बनाइए, हरियाणा को हरियाणा सौहार्द के शांति के साथ चलने वाला प्रदेश है। हम लोग आपको इसको जातिगत हिंसा में मत पलटिए आप लोग, जाट वर्सेस नॉन जाट। इस वक्त इस वक्त तो मैं अपलोड कर दूंगा, बीजेपी को ले रहे होगी शांति की अपील कर रहे हैं। पूरी तरह से फेल है राहुल गांधी, नहीं ले जा सकता हूं। आप दोनों को रोक रहा हूं। कृष्ण बेदी जी, आपसे एक सीधा सवाल है। आज एक बेहद महत्वपूर्ण मीटिंग हुई जिसमें देश के गृह मंत्री मौजूद थे, वहां पे सुषमा स्वराज मौजूद थी, अरुण जेटली मौजूद थे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डोवाल मौजूद थे, वरिष्ठ आर्मी के लोग मौजूद थे। उसके बाद एक स्टेटमेंट आया है कि संवैधानिक तरीके से ही इस मामले का हल होगा, क्या अर्थ निकालें इसका? कृष्ण बेदी जी, मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ। मेरे मित्र आलोक शर्मा जी यहाँ पर मौजूद हैं, पुष्पेंद्र चौधरी जी मौजूद हैं, सूरज पाल हमारे वरिष्ठ भाजपा नेता मौजूद हैं। ये इतना चिल्लाने का समय नहीं है, हरियाणा प्रदेश की 2.5 करोड़ लोगों को शांति और भाईचारा बनाने का समय है। अब आलोक शर्मा जी राजनीति करेंगे इस आरक्षण आंदोलन के बाद करेंगे हरियाणा? हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम तो सीधे सीधे सवाल उठा रहे हैं कि आप लोग कर क्या रहे थे एक साल से। मैं आरक्षण वादा कर चुके हैं, सब कुछ कर चुके। अपने फेलियर को स्वीकार कीजिए, जनता से माफी मांगिए। एक मिनट, एक मिनट, लेकिन होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी, हमारे वरिष्ठ नेता अनिल चौधरी, प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर जी, हमारे अभिमन्यु जी, धनखड़ जी सब अपील कर रहे हैं। इवन मैं धन्यवाद करता हूं उपेंद्र सिंह हुड्डा जी का भी, उन्होंने भी अपील किया लोगों से शांति की। आज हरियाणा प्रदेश की शांति कायम करने की जरूरत है। अब ये मुद्दा आरक्षण का ना होकर आर्थिकता का हो गया। सबसे पहले हम सभी को मिलकर इस अराजकता को काबू करना है। जब तक यहाँ पर जान माल का जिस प्रकार से कुछ असामाजिक तत्व आगे बढ़ रहे हैं, इससे लगता है कि हरियाणा का भाईचारा समाप्त हो जाएगा। मैं हरियाणा में एक जिम्मेवार मंत्री होने के नाते आपके माध्यम से, आप एक जिम्मेवार चैनल के ऊपर बैठे हैं, एक राष्ट्रीय चैनल के ऊपर हम सभी बात कर रहे हैं, अपने सभी भाइयों से, सभी साथियों से एक अपील करना चाहते हैं, पहले शांति और उसके बाद आरक्षण जो बनता है, आरक्षण जो कानूनन बनता है। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी अपील कर चुके हैं कि जो लोग जरूरतमंद है उनको आरक्षण देंगे। माने मुख्यमंत्री जी पिछले एक महीने से लगातार खाप पंचायतों से। कृष्ण बेदी जी, थोड़ा सा रुकिएगा, आपने जो बातें कही महत्वपूर्ण है, आपने शांति की अपील भी की जो बेहद महत्वपूर्ण थी। कृष्ण बेदी, एक मिनट रुकिएगा बस। आकाश जी, जी जी आकाश जी, मैं सारी मीटिंगों के बीच में रहा हूँ सामाजिक न्याय मंत्री होने के नाते। मुख्यमंत्री जी ने जितनी बड़ी दरिया दिल्ली के साथ 6-6 घंटे बिहार के प्रतिनिधियों से बात की, उसके साथ भोजन किया, उनको ठीक है। बेदी जी एक मिनट, लेकिन जाट क्या कह रहे हैं वो भी सुन लीजिए। पुष्पेंद्र जी, आपने सारी बात सुनी, एक बहुत सीरियस और हायर लेवल की मीटिंग दिल्ली में भी हुई है। कृष्ण बेदी को आप सुन रहे हैं, आपसे जानना चाहता हूं कि जो बिल ड्राफ्ट की बात की गई है, ये काफी है आपके लिए या आप अध्यादेश से कम किसी कीमत पे नहीं मानेंगे? साफ साफ बोलिए। देखिए, एक बिल हरियाणा सरकार अपनी विधानसभा में पास कराए
और एक बिल केंद्र सरकार संसद में पास कराए, उसे शेड्यूल 9 में डाला जाए। उसमें सीधे तौर पे हमारी मांग है कि जो भी जाति जिस भी प्रदेश में, लगभग जाट की बात नहीं है यहाँ, 800 ऐसी जातियां हैं जो प्रदेश में ओबीसी हैं लेकिन केंद्र में नहीं है, इस तरह का एक बिल लाया जाए, प्रदेश में हरियाणा में दिया जाए और केंद्र में सभी लोगों को दिया जाए, जो भी जातियां, जाट ही नहीं, तमाम जातियां जो नहीं लेकिन है इस बीच उनको जो है केंद्र में डाला जाए जो स्टेट में है। आप खुद इस बात को मानेंगे, आपको भी अगर ये काम करना हो तो आपको वक्त लगेगा, वो वक्त देने के लिए आप तैयार हैं, इस बीच अपना आंदोलन सस्पेंड करने के लिए तैयार हैं? देखिए, पिछले साल जब प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया था उसके बाद एक साल बीत गया, केवल ठंडे बस्ते में डालने की यदि इनकी ये नियत है तो ये कमेटी बनाए, कुछ करें, आंदोलन अब हाथ से इनके निकल चुका है और अब स्वस्फूर्त ये आंदोलन आपके चुका हाथ है। में आंदोलन इनके, तो है ना अभी इनके 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 मैं बता रहा हूं आपको, आप जैसे जो नेता हैं, देखिए जिस प्रकार तो रोक लेंगे, जिस प्रकार की वायदा खिलाफी बार बार ये करती है, चाहे बीजेपी की सरकार हो या कोई अन्य सरकार हो, इन्होंने जो वायदा खिलाफी की है ये अपना वायदा पूरा कर दें। अभी सत्र आ रहा है दो तीन दिन बाद, सूरज पाल जी बोले बिल एमपी सिंह ने जो एमपी सिंह एमपी एमपी है उनका एक बिल आया हुआ है प्राइवेट मेंबर बिल, उसको लोकसभा में पास करा दीजिएगा और जो है पास करा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सुनिएगा जी पुष्पेंद्र जी, मैं आपसे चैनल के माध्यम से एक अनुरोध करना चाहता हूँ। जी बताएं। आपके आरक्षण की बात को बिल्कुल बिल्कुल पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की मनोहर लाल जी की सरकार ने मान लिया है, मैं एक आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ। प्रदेश में जिस प्रकार के आज हालात हैं, आप अपने मुख से मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपने नौजवानों को, अपने लोगों को, अपने जो भी आंदोलनकारियों से रिक्वेस्ट कीजिएगा कि प्रदेश के अंदर 36 बिराजियों का जो सौहार्द हरियाणा के अंदर बना हुआ है उसको ना बिगाड़े, प्रदेश की संपत्ति किसी की भी हो उसको नुकसान ना पहुंचाए, माने मनोहर लाल जी ने भी कहा है। मैं आपसे अनुरोध करना हूँ चैनल के माध्यम से, मैं केवल जो है ना केवल अनुरोध करता हूँ कि कहीं भी शांति व्यवस्था और सौहार्द को ना बिगाड़ा जाए, और दोनों तीनों पक्ष जो भी हैं इसमें, क्योंकि शिकायतें दोनों तरह की आई हैं कि जाट शांतिपूर्ण बैठे हुए थे उनके ऊपर हमले किए गए हैं, जो राजकुमार सैनी ओबीसी ब्रिगेड को लेकर के गए हैं, वो सब लोग शांति बनाएं और शीघ्र से शीघ्र जो है एक बिल ला करके केंद्र सरकार भी पार्लियामेंट में और हरियाणा सरकार हरियाणा की विधानसभा में पास कराए, और जो जाट युवक जिनकी श्रद्धांजलि हुई है, जिनकी शहादत हुई है, मैं उनको भी नमन करता हूँ और उनको भी श्रद्धांजलि देता हूँ। पुष्पेश ये किसी रेजोल्यूशन की तरफ बढ़ता हुआ लग रहा है, बेहद गंभीर मसला नहीं मुझे नहीं लगता, क्योंकि मुझे लगता है जो बात पुष्पेंद्र जी कह रहे हैं अगर वो हो भी जाती है और सर्वसम्मति सहमति भी होती है तो सर्वोच्च न्यायालय अभी भी नवी अनुसूची में डालने को फिर भी निरस्त कर सकता है, और जब तक जाट इस बात के लिए राजी नहीं होते कि जो ओबीसी का आरक्षण है उसी में उनका हिस्सा जैसे हो वो हो सकता है, तब तक मुझे लगता नहीं। मैं अपनी बात फिर दोहराऊंगा कि आरक्षण का सवाल मुझे सामाजिक न्याय का सबसे सही अस्त्र नहीं लगता। सर मैं हम अलग नहीं मांग रहे, हम यही मांग रहे सभी मेहमानों को फिलहाल हम अलग नहीं मांग रहे, हम ओबीसी नहीं मांग रहे, समय समाप्त हो चुका है, लेकिन एक बात बहुत जरूरी है, शांति पहले चाहिए, उसके बाद ही सोच समझकर इस पर आगे बढ़ सकता है। ये कोई ऐसा मसला नहीं है जिसको आप एक झटके में सुलझा दें और उसके बाद बहुत लंबे समय तक परेशान रहे, इसीलिए जरूरी है कि जाट नेता भी थोड़ा अपनी तरफ से धैर्य रखे, लंबा उन्होंने रखा है, अभी और रखने की थोड़ी जरूरत है ताकि समय लेकर सही तरीके से इसे एक अंजाम तक पहुंचा जाए। सभी मानों को धन्यवाद, लेकिन आज देश का जो मूड है वो भी देख लीजिए। आज हमारा सवाल था, सुप्रीम कोर्ट के इनकार के बावजूद आरक्षण की हिंसक मांग करने वाले जाटों पर क्या सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? हजारों की संख्या में SMS है, 74% दर्शक कह रहे हैं हाँ, 26% कह रहे हैं नहीं। ट्विटर पर यही सवाल हमने पूछा, 88% दर्शक कह रहे हैं हाँ, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और 12% दर्शकों कह रहे हैं नहीं। आज इस कार्यक्रम में इतना ही।